हेलो गाइस, आज हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं फंक्शंस के बारे में कि फंक्शंस क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में और इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे जावास्क्रिप्ट के लिए। अगर आप डेवलपर बनने जा रहे हैं तो फंक्शंस के बारे में तो जानकारी होनी ही चाहिए। और फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, इनको क्यों यूज किया जाता है और इनको कैसे आसान कर सकते हैं, कितनी आसानी तरीके से लिख सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे फंक्शन की छोटी सी एक डिफिनेशन लिखी हुई है, सबसे आसान डिफिनेशन की। अगर आपसे कोई डेवलपर या फिर कोई एक इंटरव्यूअर अगर आपसे पूछे तो आप उसको आसानी से इसी लैंग्वेज में अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो वो समझ जाएगा कि आपको फंक्शन के बारे में जानकारी है। तो मैंने यहाँ पर जो फंक्शन की डिफिनेशन लिखी है उसको एक बार पढ़ लेते हैं। मैंने लिखा है, इन अ फंक्शन दैट वी आर राइटिंग देयर आर सम लाइन ऑफ कोड दैट एक्सिक्यूट एट अ पर्टिकुलर टाइम। मतलब क्या है कि फंक्शन क्या होता है, इसमें हम लोग कोई पर्टिकुलर टाइम पे अगर हमें किसी कोड को रन कराना है या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि किसी स्पेसिफिक टाइम पे हमें रन कराना है तभी हम लोग फंक्शन को बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार वो कोड एक्सिक्यूट होना चाहिए। हो सकता है हमें ज़रूरत ही नहीं है उस कोड को एक्सिक्यूट कराने के, अभी हम कभी ना फ्यूचर कुछ टास्क परफॉर्म होने के बाद उसको एक्सिक्यूट कराना चाहते हैं। तो इस केस में आप फंक्शन को बनाएंगे, जब आप चाहेंगे तभी आप उस कोड को एक्सिक्यूट कराएंगे। अगली लाइन क्या लिखी हुई उसको पढ़ लेते हैं। उसमें लिखा है, व्हेन वी डिक्लेयर द फंक्शन वी यूज द फंक्शन कीवर्ड एट द डिक्लेरेशन टाइम। मतलब क्या है कि अगर आप जब फंक्शन बनाने जा रहे हैं तो फंक्शन बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है फंक्शन का कीवर्ड। मतलब कि जब भी आप फंक्शन बनाएंगे आपको फंक्शन कीवर्ड को यूज करना पड़ेगा, बिना फंक्शन कीवर्ड को यूज करे आप फंक्शन को बना नहीं सकते। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि फंक्शन को लिखा कैसे जाएगा और उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे हम लोग अपने कोड में। इसके बाद अभी फिर हम लोग कुछ समय बाद देखेंगे टाइप ऑफ फंक्शन की कितने प्रकार के फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन को बना लेते हैं। लेट कंसिडर करिए, जैसा कि अभी हम लोग ने ऊपर पढ़ा था कि फंक्शन अगर आपको बनाना है तो फंक्शन कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। तो मैं काम करता हूँ, मैं जल्दी से यहाँ पर फंक्शन कीवर्ड को लिख ले रहा हूँ। जैसे मैंने फंक्शन कीवर्ड लिखा, इसके बाद आगे आपको लिखना है फंक्शन का नाम। जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी नाम लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर मान लीजिए मैंने नाम लिख दिया सत्यम नाम। फंक्शन का नाम लिखने के बाद आपको लगाना पड़ता है पैरेंथेसिस, इसके बाद लगाना पड़ता है कर्ली ब्रेसेस। तो आप जो ये कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, इतना इतना कोड आपको हमेशा लिखना ही पड़ेगा फंक्शन को बनाने के लिए। फंक्शन का कीवर्ड होगा फंक्शन, इसके बाद फंक्शन का नाम होगा, पैरेंथेसिस लगेंगी, फिर कर्ली ब्रेसेस लगेगा। तो अब इसके अंदर आप लोग क्या लिखेंगे, एक कोड जिसको हम लोग पर किसी पर्टिकुलर टाइम पे एक्सिक्यूट कराएंगे। एक चीज और, फंक्शन का नाम लिखना क्या जरूरी है क्या? तो मैं कहूंगा कि ऑफ कोर्स ये जरूरी है, अगर आप इसको नहीं लिखेंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम फेस हो सकती है। तो क्वेश्चन आता है कि क्यों लिखा जाता है। जैसे एग्जांपल, तो अब मान लीजिए हमने कहा मेरे पास एक फंक्शन नहीं है, हमारे पास चार पांच कोड है ऐसे, और हम उन कोड को अलग अलग टाइम इंटरवल पे हम उसको चलाना चाहते हैं। टाइम इंटरवल मतलब कि जैसे कि अभी मैंने कोड को एग्जीक्यूट कराया, जैसे कि मैंने एक एपीआई को कॉल कराया पहली एपीआई, और हमने कहा जब पहली एपीआई कॉल हो जाएगी तब हमारा एक स्पेसिफिक कोड रन करेगा। इसी प्रकार जब दूसरी एपीआई कॉल हो जाएगी तब दूसरा कोड जो होगा हमारा वो उस टाइम पे एक्सिक्यूट करेगा। तो अलग अलग टाइम पे या अलग अलग समय पे हम लोग को अलग अलग कोड एक्सिक्यूट कराना है। तो ऐसे में आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि उस कोड को एक्सिक्यूट कराना है आपको? तो इसके लिए जरूरत पड़ती है आपको फंक्शन की। जैसे एग्जाम्पल तौर पर मैं एक काम करता हूँ, मैं एक फंक्शन को और बनाता हूँ। इसके लिए जल्दी से मैंने फंक्शन कीवर्ड लिखा, फिर मैंने एक नाम भी दिया फंक्शन का, सम नाम का मैंने नाम लिखा। और फिर इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, दो पैरामीटर भेज देते हैं, ए कॉमा बी, और इसमें हम लोग क्या करते हैं कंसोल करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग ए प्लस बी। फिर क्या करते हैं, फिर हम लोग ऊपर आते हैं, ऊपर वाले फंक्शन में भी हम लोग कुछ कंसोल लिख देते हैं, कंसोल डॉट लॉग और ब्रैकेट में हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर नाम, कुछ भी लिख देते हैं। जैसे मैं लिख दे रहा हूँ, हाय माई नेम इज सत्यम, मैंने इतना लिख दिया। तो अब देखिए क्या हुआ, जैसे हमने कहा कि हमें केवल 20 लाइन 6 वाला कोड जो है वो एक्सिक्यूट करना है, तो इसके लिए आपको कौन सा फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, सत्यम नाम का जो फंक्शन है कॉल करना पड़ेगा। अगर आप नाम नहीं देते तो आप कैसे आइडेंटिफाई करते चीज को कि हमें इस 20 लाइन वाले 6 को कोड एक्सिक्यूट करना है कि 30 लाइन वाले कोड को एक्सिक्यूट करना है। केस में मदद करता है हमारा फंक्शन का नाम, जो कि उसको आइडेंटिफाई करता है, फंक्शन को सर्च करने में मदद करेगा और आपको उसके अंदर का कोड एक्सिक्यूट करने में हेल्प करेगा।
इसके आगे मैं एक लाइन का कोड और लिखता हूँ। जैसे एग्जांपल तौर पर मैंने लिख दिया कंसोल डॉट लॉग और ब्रैकेट में मैंने अपने चैनल का नाम लिख दिया कोड एंड टेक, कोड एंड टेक मैंने ये नाम लिख दिया। तो अब आप एक चीज़ देखिए यहाँ पर, जैसे कि अभी जब हमारी ये फाइल लोड हुई होगी तो क्या हुआ होगा, सबसे पहले जब 25 से 27 तक का कोड एग्जीक्यूट हुआ होगा, फिर 20 लाइन से 31 लाइन का कोड एग्जीक्यूट हुआ होगा, फिर 33 लाइन का कोड एग्जीक्यूट हुआ होगा। लेकिन अगर आप यहाँ कंसोल में चेक करेंगे तो कंसोल में केवल कोड एंड टेक प्रिंट होके आ रहा है। क्यों? जब ये फाइल जितनी बार एग्जीक्यूट होगी उतनी बार 30 लाइन का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा और आपको प्रिंट करके आंसर देगा। लेकिन आप एक चीज़ देख रहे होंगे, यहाँ पर 26 वाला जो कंसोल लिखा है वो प्रिंट नहीं हुआ, 30 वाला लाइन वाला जो कोड है वो प्रिंट नहीं हुआ। क्यों नहीं प्रिंट हुआ? क्योंकि मैंने इसको लिखा है फंक्शन के अंदर। तो फंक्शन के अंदर अगर कोई कोड लिखते हैं तो वो तभी एग्जीक्यूट होता है जब आप उसको कॉल करते हैं। बिना कॉल किए वो फंक्शन कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। फंक्शन का काम ये है कि पर्टिकुलर टाइम पे या किसी स्पेसिफिक टाइम पे आप उसको क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो अब आप बात आती है कि आप इस लाइन को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, इस लाइन को कैसे चलाएंगे। तो आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर कितने बने फंक्शन बनाए हैं, दो फंक्शन बनाए हैं, एक सत्यम नाम का फंक्शन है और एक सम नाम का फंक्शन है। तो अब हमें जरूरत पड़ेगी कि हमें कौन सा फंक्शन को कॉल करना है, तो हमें कॉल करना है सत्यम नाम के फंक्शन को। तो सत्यम नाम के फंक्शन को कॉल करने के लिए सबसे पहले आपको नाम लिखना पड़ेगा उस फंक्शन का। तो फंक्शन का नाम है सत्यम। जैसे ही आप फंक्शन का नाम लिख देंगे तो अब हमने कोड को ये बता दिया है कि सत्यम नाम का फंक्शन आप हम लोग यूज करने जा रहे हैं, यूज करने जा रहे हैं, लेकिन अभी कोड एग्जीक्यूट करने की हमने अभी इजाजत नहीं दी है। तो इस केस में क्या होगा, अगर आपको एग्जीक्यूट कराना है तो अब आपको उसको बताना पड़ेगा। एग्जीक्यूट कराने के लिए आपको लगाने पड़ेंगे दो पैरेंथेसिस। तो जैसे मैंने यहाँ पर पैरेंथेसिस लगा दिया तो ये कोड को हम अलाउ कर रहे हैं कि अब भैया आप सत्यम नाम का जो फंक्शन है उसको क्या करो, एग्जीक्यूट करो, उसके अंदर का जो कोड है उसको रन करा दो। तो गाइस क्या होगा, अब ये फाइल फिर से रन करेगी, फिर से रन करेगी तो यहाँ पर सबसे पहले प्रिंट कराएगी 33 लाइन वाला कोड जो है वो प्रिंट होगा, कोड एंड टेक। इसके बाद हमने क्या किया, सत्यम नाम का फंक्शन का नाम लिखा है तो ये तुरंत सत्यम नाम के फंक्शन पे जाएगा, आगे पैरेंथेसिस लगा दिया, इसका मतलब सत्यम नाम का फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसके अंदर का जो कोड है वो रन करना चाहिए। तो यहाँ पर उसके अंदर वाला कोड भी क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा और यहाँ पर प्रिंट होके आ गया हाई माई नेम इज सत्यम। तो ये हमारा सिंपल सा फंक्शन था और जिसको हम लोगों ने एग्जीक्यूट करा के देखा। अब हम लोग काम करते हैं सम नाम का फंक्शन को एग्जीक्यूट कराते हैं। तो सम नाम का अगर फंक्शन अगर आपको एग्जीक्यूट कराना है तो उसके लिए सबसे पहले फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर फंक्शन का नाम लिख दिया है। फंक्शन का नाम लिखने से फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको वहां पर उसको बताना पड़ता है, इसके लिए आपको लगाना पड़ता है पैरेंथेसिस। तो मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ पैरेंथेसिस। जैसे मैंने पैरेंथेसिस लगा दिया वो कोड क्या होगा, तुरंत उस फंक्शन के अंदर एंटर करेगा और कोड को एग्जीक्यूट करना चालू कर देगा। तो आप देख रहे हैं जैसे ये कंसोल है ये प्रिंट होना स्टार्ट हुआ होगा और प्रिंट होके यहाँ पर देखिए आपका आउटपुट भी आया है, यहाँ पर लिखा है NaN मतलब कि नॉट अ नंबर। और आप चेक कर सकते हैं ये 30 लाइन का कोड ही एग्जीक्यूट हुआ है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे स्क्रिप्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्क्रिप्ट फाइल में 30 लाइन वाला कोड जो कंसोल है वो यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पर NaN क्यों प्रिंट हो गया है, नॉट अ नंबर, हमने तो यहाँ A+B लिखा है। लेकिन ए प्लस बी को हमने बताया नहीं कि ए प्लस बी है क्या, कि मतलब कि ए क्या है और बी क्या है। तो आप देखेंगे जब मैंने फंक्शन बना रहा था तो फंक्शन के नाम के आगे मैंने A, B लिखा है। ये A, B क्या है, तो A, B वैल्यूज हैं जो हम फंक्शन के अंदर भेज रहे हैं। मतलब क्या, किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपको फंक्शन को एग्जीक्यूट करना होगा और हो सकता है कि उसके अंदर कुछ वैल्यू आपको चेंज करनी हो और वो वैल्यू आपको बाहर से मिल रही हो। तो बाहर से वैल्यू को जब फंक्शन के अंदर भेजना होता है तो हम लोग यूज करते हैं पैरामीटर्स का। तो मैंने यहाँ पर A, B दो पैरामीटर बनाए हैं जो बाहर से हम लोग क्या करेंगे, उस वैल्यू को भेजेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ नीचे A and B इज अ पैरामीटर। ए बी क्या है, हमारे पैरामीटर है। अब देखिए, अब हमने नीचे जब फंक्शन को कॉल किया था यहाँ पर 36 लाइन पे, तो मैंने यहाँ पर अभी कोई वैल्यू भेजी नहीं है, तो हमें पहले वैल्यू भेजनी पड़ेगी। तो मैंने लेट कंसिडर करिए, मैंने 2, 3 को मैंने यहाँ पर भेज दिया। या देखिए आप फंक्शन को डिक्लेयर करते वक्त जैसे आप पैरामीटर लिख रहे होते हैं उसी प्रकार फंक्शन को कॉल करते वक्त लिखना होता है। तो 2, 3 मैंने यहाँ पर लिख दिया। हुआ, अब यहाँ पर हुआ क्या होगा, ए की जगह पुट हो गया होगा 2 और बी की जगह पुट हो गया होगा 3। तो अब यहाँ पर आप हमारा अंदर जो सम है वो हमें 5 मिल जाएगा। तो आप कंसोल में भी चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको 5 प्रिंट होके आ गया।
एक चीज और, फंक्शन को डिक्लेयर करते वक्त जो भी हम लोग आर्ग्यूमेंट या फिर जो भी हम लोग वैल्यूज बाहर से भेजते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पैरामीटर। ए बी को हम लोग बाहर से भेज रहे थे, तो ए और बी क्या है, पैरामीटर है। और जो वैल्यू हम लोग भेज रहे होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। जैसे कि 2 and 3 इज अ आर्ग्यूमेंट, तो 2 3 क्या है, ये हमारे ये आर्ग्यूमेंट है। तो अलग अलग प्रकार से पूछा था, डेवलपर जो होते हैं वो आपसे पूछते हैं कि पैरामीटर क्या होता है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फंक्शन को डिक्लेयर करते वक्त जब हम लोग किसी वैल्यू को बाहर से एक्सेस करना होता है तो फंक्शन के अंदर कुछ वेरिएबल बनाए जाते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर कर जाते हैं, तो उन्हीं वेरिएबल को हम लोग बोलते हैं पैरामीटर्स। और जब उन वैल्यू को बाहर से हम लोग भेजते हैं तो उन वैल्यू को कहा जाता है आर्ग्यूमेंट्स। तो मैंने यहाँ पर उस पॉइंट को भी एक्सप्लेन कर दिया। तो होपफुली गाइस आपको यहाँ पर जो फंक्शन होता है उसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग फंक्शन के टाइप्स के बारे में। तो यहाँ पर फंक्शन के कुछ टाइप्स मैंने यहाँ पर डिफाइन किए हुए हैं। पहला फंक्शन का टाइप है, लिखा है नॉर्मल फंक्शन। तो नॉर्मल फंक्शन क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पर जो फंक्शन बनाया हुआ है, सत्यम नाम का फंक्शन, सम नाम का फंक्शन, इन्हीं को हम लोग कहते हैं नॉर्मल फंक्शन। तो ये हमारे क्या है, नॉर्मल फंक्शन है। तो पहले हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं और उस वेरिएबल में हम लोग फंक्शन को स्टोर करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो कॉन्स्ट वेरिएबल का मैंने यहाँ पर नाम रख दिया डाटा, और फिर इसमें हम लोग फंक्शन को स्टोर करते हैं, क्योंकि हम लोग क्या बना रहे हैं, फंक्शन एक्सप्रेशन बना रहे हैं। तो यहाँ पर फंक्शन कीवर्ड पहले यूज होगा। फंक्शन कीवर्ड यूज करने के बाद हम लोग लगाएंगे पैरेंथेसिस, फिर लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट्स। तो ये जो पार्ट जो अभी हमने लिखा, इसी पार्ट को हम लोग कहते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन। तो फंक्शन एक्सप्रेशन में हमने क्या किया, सिंपल सा एक फंक्शन लिया था और उसको हमने डाटा नाम के जो वेरिएबल था उसमें जाके क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। एक चीज आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि मैंने फंक्शन कीवर्ड जब लिखा तो उसके आगे मैंने फंक्शन का नाम नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि हमें अब की अब यहाँ पर जरूरत नहीं है। फंक्शन का नाम कब लिखते हैं, जब हम लोग को फंक्शन को आइडेंटिफाई करना होगा कि फंक्शन कौन सा फंक्शन हम लोग कॉल करना चाहते हैं। तो अभी तो यहाँ पर फंक्शन की लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इस फंक्शन को हम लोग कहाँ स्टोर कर रहे हैं, डाटा नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। तो ये डाटा जो कीवर्ड है ये ऑटोमेटिक ही ये फंक्शन का नाम बन जाएगा। तो इस कारण आपको यहाँ पर फंक्शन का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। फिर से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपल सा एक लाइन ऑफ कोड लिखते हैं। जैसे मैंने कंसोल डॉट लॉग लिखा और ब्रैकेट में हमने यहाँ पर लिख दिया हाय। अगर आपको ये कोड एक्सीक्यूट कराना है या फिर इस फंक्शन को एक्सीक्यूट कराना है तो कैसे आप एक्सीक्यूट कराएंगे, तो यहाँ पर सिंपल सा इस वेरिएबल का नाम पुट कर दीजिए, क्योंकि ये वेरिएबल का जो नाम है वही नाम बन गया होगा फंक्शन का। तो यहाँ पर लिख देते हैं डाटा, तो मैंने फंक्शन का नाम लिख दिया। फंक्शन का नाम लिखने के बाद कॉल करने के लिए क्या करना पड़ता है, पैरेंथेसिस लगानी पड़ती है। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया पैरेंथेसिस। जैसे पैरेंथेसिस मैं यहाँ पर लगा दूंगा तो तुरंत आप देखेंगे यहाँ पर आपका कंसोल में यहाँ प्रिंट होके आ गया हाय। तो ये गाइस हमारा फंक्शन एक्सप्रेशन था जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि नॉर्मल फंक्शन था तो हम लोग ने फंक्शन एक्सप्रेशन को क्यों बनाया, तो इससे फायदा है, इसका एक प्रॉफिट है। प्रॉफिट क्या है कि जब भी हम लोग वेरिएबल में किसी फंक्शन को स्टोर करते हैं तो उस वेरिएबल को हम लोग आसानी से किसी दूसरी फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब उस वेरिएबल को या फिर उस कोड को कहीं पर भी आप लेके जा सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल को आसानी से एक से दूसरी फाइल में एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो यही कारण है गाइस कि हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, एक फंक्शन को वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि हम लोग को वही फंक्शन, सेम फंक्शन को 10 फाइलों में नहीं लिखना पड़ता, बस हम लोग उसको एक बार एक्सपोर्ट करते हैं और उसको हम लोग यूज़ करते हुए चले जाते हैं। अगर आप रिएक्ट में काम करते हैं या फिर आपने देखा होगा रिएक्ट में, तो रिएक्ट में मोस्टली जितने भी हम लोग फंक्शन लिखते हैं तो वहाँ पर हम लोग इसी प्रकार के फंक्शन को डिराइव करते हैं, इसी प्रकार के फंक्शन को बनाते हैं और वहाँ पर उन फंक्शन को क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं। और फिर हमें जितनी बार भी यूज करना होता है उस फंक्शन को, बस हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं और यूज करते हुए चले जाते हैं। वहां पर हम लोग उसका नाम रख देते हैं फंक्शनल कंपोनेंट। और यहाँ पर सिंपल सा अगर जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर फंक्शनल एक्सप्रेशन। तो सिंपल सा ये लॉजिक है। अगर आपसे कोई इंटरव्यू पूछ ले कि नॉर्मल फंक्शन और फंक्शन एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है, तो आप बता सकते हैं नॉर्मल फंक्शन को हम डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं, जबकि अगर फंक्शन एक्सप्रेशन के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, फंक्शन को वेरिएबल में स्टोर करना पड़ता है। क्यों यूज करते हैं, वेरिएबल में स्टोर करने से फायदा ये रहता है कि फंक्शन को हम लोग आसानी से किसी भी फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, किसी भी फाइल में आसानी से पहुंचा सकते हैं। तो ये हमारा सबसे बड़ा एक फायदा मिलता है।
अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर इस कोड में कुछ वैल्यू को भी पास करना है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस फंक्शन में जैसे कि हम लोग भेज देते हैं पैरामीटर को, जैसे ए कॉमा बी को हम लोग यहाँ पर भेज देते हैं और इसका सम यहाँ पर निकाल के देखते हैं, कॉमा ए प्लस बी कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने आपके फंक्शन में दो पैरामीटर भेजे हैं, तो फंक्शन को जब हम लोग कॉल कर रहे होंगे तब भी हमें ये दो पैरामीटर की जो वैल्यू है उनको भेजनी पड़ेगी। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें यहाँ पर डाटा लिखा हुआ है और यहाँ पर इसके पैंथेसिस भी लगाया है, तो पैंथेसिस के अंदर अब क्या हम लोग भेज देते हैं 3, 7, मैंने दो वैल्यू भेज दी, पहली वैल्यू असाइन हो जाएगी ए को और दूसरी वैल्यू असाइन हो जाएगी हमारी बी को। तो टोटल जो सम है वो कितना प्रिंट हो जाएगा, 10 प्रिंट हो जाएगा। तो आप कंसोल में देख लोगे यहाँ पर लिख के आ गया हाई 10 यहाँ पर लिखे गया। तो ये सिंपल सा प्रोसेस था फंक्शन एक्सप्रेशन को बनाने का। अब देखते हैं तीसरा टाइप, कि हमारा तीसरा टाइप क्या है। तो तीसरे टाइप में मैंने आपको बताया एरो फंक्शन। एरो फंक्शन क्या होता है, एरो फंक्शन सिंपल आप ऐसे समझ लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक छोटी सी लाइन भी लिखी हुई है जिससे आपको थोड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा कि इट इज़ अ इजी वे टू राइटिंग द फंक्शन। मतलब क्या है कि नॉर्मल फंक्शन था, हमारे पास फंक्शन एक्सप्रेशन भी आ गया, तो एरो फंक्शन बनाने की क्या जरूरत पड़ गई। तो एरो फंक्शन बनाने की हमें जरूरत इसलिए पड़ गई गाइस, या फिर आप कह सकते हैं जरूरत नहीं भी थी, लेकिन ये काम को और हमारे कोड को थोड़ा आसान कर देता है और थोड़ा सही से लिखने में मदद करता है, थोड़ा कोड की स्पीड को बढ़ाने में ये मदद करता है, इस कारण हम लोग एरो फंक्शन को ड्राइव करती है। अब हम लोग बना के देखते हैं एरो फंक्शन बनता कैसे। तो मैं अपने इस फंक्शन एक्सप्रेशन वाले कोड को कमेंट आउट कर दे रहा हूँ, हम लोग बनाएंगे अब क्या एरो फंक्शन। एरो फंक्शन बनाने के लिए सेम प्रोसेस होता है जैसे फंक्शन एक्सप्रेशन बनाते हैं, उसी प्रकार हमारा एरो फंक्शन भी बनता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे, वेरिएबल का नाम अब क्या हम लोग रख लेते हैं फिर से डाटा। अब हम लोग को एरो फंक्शन बनाना है, तो यहाँ पर इक्वल का साइन लगाया, फिर इसके बाद हम लोग पैरेंथेसिस लगाते हैं, फिर आगे हम लोग एक एरो बनाते हैं। ये एरो जो बनाया इसी कारण इसका नाम हो गया एरो फंक्शन, और फिर इसके आगे हम लोग लगा देते हैं कर्ली ब्रेसेस। तो आप जो इतना कॉन्सेप्ट देख रहे हैं इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है एरो फंक्शन। एरो फंक्शन बनाने के लिए क्या किया हम लोग ने, अगर आप ये जो इतना प्रोसेस देख रहे हैं कर पैरेंथेसिस के बाद एरो और ये कर्ली ब्रैसेस, ये जो सिंबल है वो हमारा सिंबल कहलाता है फंक्शन का। तो इतना जो पार्ट है, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ मैं कमेंट आउट कर देता हूँ इस चीज़ को, कि जो हमारा ये पार्ट है ये वाला पार्ट, इसको हम लोग कहते हैं फंक्शन, ये पार्ट ही हमारा कहलाता है फंक्शन, दैट इज अ फंक्शन। अब हम लोग क्या करते हैं इसको ऊपर साइड लिख लेते हैं, क्या करना पड़ेगा, एक पैंथेसिस लगानी पड़ेगी, फिर एक एरो बनाना पड़ेगा, फिर एक कर्ली ब्रेसेस लगाना पड़ेगा। अब इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर जैसे कि बाकी फंक्शन में होता है कंसोल लिख लेते हैं, तो मैंने यहाँ पर कंसोल एलो यहाँ पर लिख लिया। अब इस एरो फंक्शन को रन कराना है, तो रन कराने का सिंपल सा वही तरीका है कि ये हमारा फंक्शन है और फंक्शन कहाँ पे स्टोर हो रहा है, डाटा नाम के वेरिएबल में, तो ये यही वेरिएबल क्या हो जाएगा, फंक्शन का नाम बन जाएगा। तो फंक्शन का नाम हो गया हमारा डाटा। फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या करना पड़ता है, पैंथेसिस लगानी पड़ती है। तो जैसे पैंथेसिस लगाएंगे आप कंसोल में देखेंगे आपका हेलो प्रिंट होके आ गया। तो ये हमारा एरो फंक्शन है। तो आप कहेंगे कि जो हमारा फंक्शन एक्सप्रेशन अभी हम लोग ने ऊपर लिखा था वो, और यहाँ पर नीचे हमारा एरो फंक्शन, दोनों तो सिमिलरली तो है हमारे। अगर देखा जाए तो फंक्शन एक्सप्रेशन में हम लोग ने फंक्शन कीवर्ड को यूज कर लिया है, और जबकि एरो फंक्शन में हमने फंक्शन कीवर्ड को यूज नहीं किया है। फंक्शन एक्सप्रेशन में हम लोग ने एरो नहीं यूज किया है, तो एरो फंक्शन में हम लोग ने एरो को यूज कर लिया। तो डिफरेंस क्या हुआ यहाँ पर, डिफरेंस ये हुआ कि अगर आपका सिंगल लाइन आपका कोई फंक्शन है सिंगल लाइन का, तो आपको उसको यूज करने के लिए ये कर्ली ब्रेसेस भी आपको लगाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं अगर इन कर्ली ब्रेसेस को हटा दूं तो एक लाइन में आप ये फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं। तो सी यहाँ पर एक लाइन में हमने इस फंक्शन को बना दिया। तो ये एक तरीका है, मतलब कोड को मैंने और छोटा कर दिया। इसी प्रकार अगर और भी बड़ा फंक्शन अगर होता तो आप उसको भी एक लाइन में लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पर, ये थोड़ा एक एडवांस टॉपिक हो जाएगा बट मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल तौर पर मैंने फंक्शन बनाया कॉन्स्ट सम नाम का फंक्शन, इसमें मैंने क्या किया, मैंने इसको यहाँ पर ए लिखा, या फिर मैं सिंपल तरीके से एक बनाता हूँ फंक्शन को, FUNCTIM फंक्शन, फंक्शन एक्सप्रेशन की तरह मैं यूज करता हूँ। पहले ए पास किया, फिर मैंने क्या किया इसमें रिटर्न किया मैंने एक दूसरे फंक्शन को, और इसमें मैंने पास किया बी को, और फिर इसके अंदर मैंने कराया कंसोल, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर मैं लिख दिया ए प्लस बी।
तो ये एक हमारा सिंपल सा सम काउंट करने का मैंने फंक्शन है, मतलब दो फंक्शन बनाए मैंने, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन हम लोग क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। अब हमें सम फाइंड करना, तो हम लोग को लिखना पड़ेगा सम। यहाँ पर पहले पैंतीस हम लोग ने पहले एक वैल्यू भेजी जो कि हमारे ए के पास पहुँच गई, दूसरा फंक्शन रिटर्न कर रहा है जो कि पहला फंक्शन है वो रिटर्न कर रहा है दूसरे फंक्शन को, अब वो एक वैल्यू कंसिडर कर रहा है जो कि है बी, तो इसके आगे हम लोग पास कर देते हैं बी को लाइक सी 4। तो हमने क्या किया, तो हमने दोनों फंक्शन को एक साथ कॉल कर लिया। तो यहाँ पर जो कॉल करने का तरीका है वो है सम, पहले फंक्शन का नाम लिखा, पहले पैंथेसिस में हमने पहले फंक्शन की वैल्यू पास करी, दूसरे पैंथेसिस में हम लोगों ने क्या किया दूसरे फंक्शन की वैल्यू को पास कर दिया, तो हमारा यहाँ पर सम लिख के आ गया। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा भी एडवांस कॉन्सेप्ट है, अभी हम लोग आगे फंक्शन करेंगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आएगी। इसको यूज़ करने का लिखने का एक दूसरा भी तरीका होता है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये सम मैंने ऐसे लिखा, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, मैंने इस फंक्शन को पहले एक्सिक्यूट किया, जो पहला फंक्शन था इसको एक्सिक्यूट किया, वैल्यू ए मैंने लिखा, और फिर मैंने यहाँ पर किया सम वाले फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया, और उसमें मैंने वैल्यू भेज दी 3, या फिर एक काम करते 2 ही हमने भेज दी। तो क्या होगा, जो हमने ये लाइन लिखी सम 2, तो ये वाला जो पहला फंक्शन है वो कॉल हुआ होगा, इसमें वैल्यू 2 गई, इसने क्या रिटर्न कर दिया, ये पूरा का पूरा फंक्शन को रिटर्न कर दिया। तो ये फंक्शन रिटर्न होकर कहाँ पर स्टोर हो गया होगा, वैल्यू ए में स्टोर हो गया होगा। तो अब हमें क्या करना है, इसको कॉल करना पड़ेगा क्योंकि ये फंक्शन हमारे पास मिल गया। तो इसको कॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका नाम लिखे लिखना पड़ेगा, और फिर इसके आगे हम लोग को लगाना पड़ेगा पैरेंथेसिस। तो क्या होगा, ये वाला फंक्शन जो है वो हमारे इस वेरिएबल में आ गया था, जैसे इस वेरिएबल में आया ये एक पैरामीटर ले रहा है बी, तो मतलब कि हमें इसको वैल्यू देनी पड़ेगी, वैल्यू देने के लिए हमने यहाँ पर वैल्यू भेज दी 4। तो क्या होगा कि ये पूरा पूरा जो फंक्शन ऊपर लिखा था सम वाला, ये एक्सिक्यूट हो जाएगा और हमें रिटर्न करके 6 दे देगा। तो ये पुराना तरीका है, नए तरीके में हम लोग इस प्रकार फंक्शन को लिखते हैं। तो आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि फंक्शन करेंगे क्या होता है, या फिर और भी जो कॉन्सेप्ट फंक्शन के जो डीपली कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग रन करेंगे, बट अभी हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया। लेकिन अभी यहाँ पर अगर जो अभी हम लोग देख रहे कॉन्सेप्ट, इसी को अगर हम लोग को एरो फंक्शन में यूज करना होता तो ये कोड काफी आसान हो जाता देखने का तरीका। कैसे लिखते हैं अभी हम लोग यहाँ पर, मैं आपको दिखा दूँ, तो यहाँ पर मैं इसको कमेंट आउट कर दे रहा हूँ, और एक सिंपल सा छोटे से वे में हम लोग क्या करते हैं इसको लिखते हैं। सबसे पहले कॉन्स्ट लिखा, वेरिएबल का नाम लिखा, फिर हमने एक पैंथेसिस लगा के ए पास किया, एरो लगा के फिर हम लोग क्या करते हैं बी पास करते हैं, फिर हम लोग एरो लगा के यहाँ पर करा देते हैं कंसोल डॉट लॉग ब्रैकेट में ए प्लस बी, इतना मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो आप देखेंगे तब भी हमें जो आंसर है वो हमें 6 का 6 मिल रहा है। तो आप देखेंगे पहले जो कोड 4 लाइन में हमने लिखा था, आपके मैंने उस कोड को केवल 1 लाइन में मैंने लिख दिया और काफी आसान लिख दिया। अगर आप चाहें तो यहाँ पर इस पैरेंथेसिस को भी हटा सकते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है यहाँ पर, तब भी ये कोड हमारा प्रॉपरली वर्क करेगा और हमें आंसर देगा। तो कम से कम हमें लिखना पड़ता है एरो फंक्शन में और कोड काफी आसान हो जाता है लिखना। तो यही कारण है गाइस कि हम लोग जो फंक्शंस है उसको बनाते हैं, और उसमें जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चलेंगे आपको खुद ही अच्छे लगने लगेंगे कि आपको फंक्शन एक्सप्रेशन यूज करना है, कि एरो फंक्शन यूज करना है, कि आपको नॉर्मल फंक्शन यूज करना है। तो यहाँ पर अभी हम लोग ने एरो फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट था उसको भी हम लोग ने देख लिया। अब बात करते हैं जनरेटर फंक्शन के बारे में। तो जनरेटर फंक्शन क्या होता है, जो कि मैंने यहाँ पर चौथा टाइप मैंने दिया हुआ है, तो ये भी एक एडवांस कॉन्सेप्ट है जिसको आने तो इसको आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग कवर करेंगे, बट मैं आपको एक कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। जनरेटर फंक्शन होते क्या है, जनरेटर फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जिसके अंदर के कोड को हम लोग अपने टाइम के अनुसार रोक सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पर मैं आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं इस कोड को कमेंट आउट कर दे रहा हूँ और मैं यहाँ पर काम करता हूँ, फंक्शन बनाता हूँ एक, और फंक्शन का नाम मैं फिर से रख देता हूँ, मान लीजिए सत्यम मैंने नाम रख दिया, और मैंने यहाँ पर 2 लाइन का कोड लिखा, मैंने कंसोल डॉट लॉग, मैंने पहले कंसोल लिखा मैंने हाय, फिर मैंने इसी प्रकार मैंने मान लीजिए कि और भी लाइनों का कुछ कोड था वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसी प्रकार मैंने यहाँ पर लगभग 4 कंसोल लिखे हैं मैंने, और एक में मैंने लिखा हेलो जी एंड कैसे, मैंने यहाँ पर ये 4 कंसोल लगा दिए। अगर आप हम लोग अगर इस सत्यम नाम का फंक्शन कॉल करते हैं, ऐसे TYAM सत्यम नाम का हमने फंक्शन को कॉल किया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको यहाँ पर हेलो मतलब कि एक लगता है हमने कंसोल कहीं ऊपर प्रिंट कराया हुआ है, या ये डाटा प्रिंट हुआ है, इसको भी हम लोग क्या करते हैं कमेंट आउट कर देते हैं, या तो
सी अब देखेंगे सत्यम नाम पर जब मैंने फंक्शन कॉल किया, सबसे पहले प्रिंट हुआ हाय, फिर हेलो, फिर जी, फिर कैसे। तो आप देख रहे हैं कि जो जो फंक्शन बना हुआ, जब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया तो इसके अंदर के सारे का सारा जो कोड है वो एक्सिक्यूट हो गया। लेकिन अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि भैया पहली लाइन कोड रन कर जानी चाहिए, फिर फंक्शन रुक जाना चाहिए। इसके बाद जब हम कहेंगे तब दूसरी लाइन का कोड प्रिंट होना चाहिए, फिर रुक जाना चाहिए। फिर जब तीसरी लाइन को जब हम अलाउ करेंगे तब तीसरी लाइन प्रिंट होना चाहिए, फिर आगे जाके रुक जाना चाहिए। तो हम क्या करें, फंक्शन के अंदर जो लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है उसको हम लोग रोकना चाहते हैं अपने टाइम के अनुसार, और अपने टाइम के अनुसार चलाना चाहते हैं। तो इस केस को हल करने के लिए डेवलप किया गया जनरेटर फंक्शंस को। तो यहाँ पर जो जनरेटर फंक्शंस है उनको हम लोग कैसे यूज करेंगे वो आगे वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। बट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि जनरेटर फंक्शंस क्या होते हैं और इनको क्यों यूज कराया जाता है, इसका भी आगे आने लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो गाइस होपफुली यहाँ पर आपको जो फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा, फंक्शन के जो टाइप्स हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।